you off for a minute, huh? I think I can't even put you off. Yeah. Okay. Hi, Jackie. So good to see you. आपके आने के लिए मैंने एक गाना रिकॉर्ड करके रखा था जो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ. ए हीरो, तो ये का खताब तो आपके साथ चिपक ही गया है. आप चाहे या ना चाहे, यू विल ऑलवेज बी द हीरो फॉर एवरीबॉडी. एंड योर जो आप एपिटम ऑफ हीरो बोलते हैं, गुड लुकिंग, टॉल, स्लिम, विद अ गुड वॉइस, सब क्वालिटीज हैं आप में. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मुझे लगता है जब सुभाष घई ने आपको पहली फिल्म दी हीरो, कुछ सोच के ही दिया होगा उसका टाइटल हीरो. मुझे नहीं पता क्यों दिया उन्होंने ये टाइटल मुझे. एक चाली से उठ के एक लड़का आता है और उस और वो विलन के चमचे का रोल किया हुआ लड़का है. सडनली सुभाष जी कास्ट मी एज ए हीरो. किसी चीज का सूझ बूझ नहीं, कुछ समझ, बात करने का ठिकाना नहीं. सडनली मगर ये आपने गाना सुना के पूनम जी, दैट्स यू एंड मी, दैट्स यू एंड मी. आई रिमेंबर दैट वाज सलीम सर डांस मास्टर. हाँ, और क्या क्या स्टेप्स हमने किए उस गाने में. हाँ, क्या क्या किया था अगर देखेंगे तो बड़ा एम्बेरसिंग है. मतलब याद है मुझे, चेन्नई में हम लोग गए थे, वो गोल्डन बीच या कोई था जहाँ पे एक बड़ा जहाज रहता है, और वो जहाज हमेशा हर पिक्चर में एक गाना का एक अंतरा तो वहाँ जहाज पे होता ही था. हाँ, और यहाँ पर मुझे वायर से बांध कर लटका दिए और नीचे ये हीरो हीरो आप लोग हीरो हीरो कर रहा है और ऊपर से मैं आ रहा हूँ और हाथ ऐसे लंबा करके जैसे उड़ रहा हूँ. तो मेरे को डांस मास्टर ने बोला ऐसे करो. मैं बोला ऐसे कैसे उड़ूंगा, मैं ये क्यों सा उड़ने का स्टाइल है. इट वाज हिलेरियस, हिलेरियस. आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी, ये जो यादें आती हैं पुरानी पुरानी बहुत मजेदार हैं. बट एक बात बताइए, ये जैकी श्रॉफ, जैक कृष्ण श्रॉफ आए फिल्मों में तीन बत्ती से और एक एकदम सडनली भीड़ू से ये हीरो बन गए. तो आप अभी भी, आपके अंदर वो जो आपका जो इंस्टा टैग है वो भी हैंडल में है, वो भी अपना भीड़ू ही है. तो आप भीड़ू तो आपका एक आपके साथ जुड़ गया है वर्ड, तो इसका मतलब क्या है वैसे? भीड़ू का मतलब तो बॉम्बे वालों को मालूम है बट पूरे भारत में लोगों को शायद नहीं मालूम वो भीड़ू क्या होता है. भीड़ू का मतलब दोस्त होता है. मुंबई में डेफिनेटली लोगों को मालूम है, मगर कई कई जगहों पर मैं जाता हूं तो यही कहते हैं बाबा एक बार भीड़ू बोलो एक बार. पर भीड़ू का मतलब है दोस्त. कहीं कोई बोलता है या बंधु बोलता है, कोई बोलता है भाई साहब, ये वैसे बोलते हैं क्या क्या भिड़ू, क्या हाल है भिड़ू. तो भिड़ू इज अ वर्ड विच इज वेरी कोलोकियल मुंबई. इट मीन्स बडी. इट्स अ बडी. इट्स अ बडी. माय नेम इज जय किशन. माय नेम इज जय किशन. या यू ऑलवेज कॉल मी जैक्सन दो. या दैट्स माय. यू आर द ओनली वन हु कॉल्स मी जैक्सन. हां, बिकॉज़ मुझे मालूम है आपका असली नाम जय किशन है और किशन है. बन गए और आप भीड़ू जैकी हैं. तो ये आप दिल्ली में आपके, मुझे कहीं लगता है कि अभी तक वही भीड़ू अभी तक जिंदा है और आपने उसे कैसे जिंदा रखा? यू नॉट लेफ्ट स्टारडम इफेक्ट के इतना ज्यादा कि एक हीरो जो बन जाता है, 25-30 साल हो गए आपको, यू बीन अ स्टार एंड अ वेरी बिग स्टार. तो आपने अपने अंदर का वो भीड़ू कैसे जिंदा रखा है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कीपिंग दैट लवली पर्सन अलाइव इन यू? माँ का दिल है तो मोम का दिल बोलते हैं हम लोग. माँ का दिल मोम का दिल होता है. और हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि जिसको भी मिलो तो मतलब खुल के मिलो. किसी के लिए दिल में कोई ऐसा बुराई है ही नहीं कि किसी के पैर को काट के अपन अपने आप को लंबा बोले. कल जहाँ था वहां से बहुत आगे हूँ. एक छोटे से चाली में रहने के बाद में एक
जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पॉटी के लिए 10 जन हुआ करते थे, आज ऊपर वाले ने मेरे को एटलीस्ट 2-3 पॉटी दिया एक आदमी के लिए। अगर जाना है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वरना मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ता था और अंदर आवाज देना पड़ता था, बाबा निकलो मेरे को शूटिंग पे जाना है। तो हीरो बनने के बाद भी मैं उसी चाल में रहा, गुद्दे के अंदर चाली भरा हुआ है, गुद्दे के अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो मैं था वैसे ही है मेरा दिमाग। स्टारडम वगैरह ज्यादा इफेक्ट किया नहीं मेरे को, और मेरी दोस्ती हमेशा रही है वहां पर। जो कोई मैकेनिक हो या कोई होटल में काम करता हो, मेरा भाई, मेरा हेमंत, मेरा बड़ा भाई का नाम स्वर्गीय, तो वो काम करते थे सेंचुरी मिल्स में। तो मैं कुछ पैदा ऐसे हुआ नहीं हो कि कोई बड़े घर में पैदा होना मेरा नसीब, या माँ बाप का दिल बहुत बड़ा था और बहुत प्यारे घर में पैदा हुआ, वहां पे प्यार मोहब्बत ही सीखा मैंने। तो वो मेरे, वो जाएगा कैसे, वो जाने का मुश्किल हो गया। 33 years। जी, कई लोगों का चला जाता है वो। इंसान है, 5 अलग उंगलियां हैं जैसे बोलते हैं ना, कि अलग सबका अलग होता है, किसी का जाता है किसी का नहीं जाता है। मेरा रह गया, मैं तो नसीब है कि मेरा रह गया। मेरी, मैं सबकी इज्जत अभी भी करता हूँ, और मुझे इज्जत करना मेरी मेरी माँ ने सिखाया, तो मैं वो नहीं छोड़ सकता हूँ। और आपको मेरे में चांद दिख रहा है, दाग नहीं दिख रहे, अच्छा है, ऐसे रहे। नहीं भाई, बिकॉज आई थिंक आप, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा आपकी तारीफ आपके फेस पे नहीं करना चाहती। हमेशा जिस इवेंट में, जिस फंक्शन पे जाते हैं, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया, उसमें पूछे कि सबसे सिंपल और डिसेंट हीरो कौन सा है, तो मैंने कहा जैकी श्रॉफ। उसका उन्होंने बोला सबसे फ्लर्टियस और सबसे नॉटी बदमाश हीरो कौन है, मैंने कहा जैकी श्रॉफ। तो मैं कभी कैटेगरी में आप ही फिट होते। अनिल है, वो अनिल है, दूसरा नॉटी है, फ्लर्टी है, वो तो काम में अपने आप से ही फ्लर्ट करता है वो। अपने आप से उनको प्यार है, आपको सारी दुनिया से प्यार है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ यू जैकी। वैसे ही रहे बस, बाकी गया, अच्छे बड़े बड़े बादशाह लोग चले गए। मैं हमेशा सोचते रह जाता हूँ जिनके साथ इतना वक्त गुजारा, जिनके साथ पिक्चरें की, हमारे विनोद खन्ना साहब स्वर्गीय, ऋषि साहब, काका जी, देव साहब, शमी अंकल। तो जब मैं ये देखता हूँ, देव साहब जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उनको सब सब चले गए, इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार अब सितारे हैं। तो अपने आप को उसी वक्त मैं समझ जाता हूँ कि आप अपने आप को ज्यादा ना समझे तो अच्छा है। सही बात है, ये अब आपकी जो बात है, आई विश सब दुनिया वाले, हर हर आई वुड से करियर में लोग उन्नति करें, तरक्की करें, बड़े हों, पर करें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम थोड़े वक्त के लिए हैं इस दुनिया में, और एक अच्छाई छोड़ के जाएं तो कितनी अच्छी बात है उसमें। बेशक। तो अगले बात सवाल करने से पहले आपको मैं अपना, हमारा एक और बड़ा क्यूट सा गाना था वो दिखा दूं, सुना तो दिया आपको, लो आ गया हीरो। एक बड़ा क्यूट सा हमारा गाना था, जिसमें हम, हमारा एक ट्रायंगल रोमांस था, आपका, मेरा और कुत्ते का। सो ये तेरी मेहरबानियों का मैं एक गाना दिखाती हूँ। हाउ सो स्वीट, हाउ लवली, हमारे सुनने वालों को वो भी देखने दीजिए। हाय, लवली 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 लवली। ये जो गाना है जो हमने देखा, अब ये केसी बोकाड़िया साहब मेरे पास आए और कहा, कहानी सुनाने का अंदाज देखो। हाँ बोला देखो, एक आप हैं, पूनम जी है, एक कुत्ता है, आप चले जाते हो, आपको मार दिया जाता है और कुत्ता रिवेंज लेता है, ये कहानी है। मैं आज किसी को अगर सुना दें तो कोई नहीं करेगा। फिर मैं बोला कोई डायलॉग्स वगैरह, ईश्वर चलावे, डायलॉग्स की क्या जरूरत है, ईश्वर चलाए। बस उनके भरोसे मैं, केसी बोकड़िया साहब के भरोसे मैं आज घुस गया पिक्चर में, और कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में कि क्या कर रहा हूँ। मगर वो पिक्चर, मेरा कुत्ता मेरे कब्र पे बैठ के, मेरे जो जहां मुझे जलाया गया, जहां पर मुझे रखा गया, वहां पर बैठ के रोता है और सपना देखता है, आप और मैं गाना गा रहे हैं। अब ये किसी को यस बोले तो कौन पिक्चर करेगा ये? बोले कुत्ता आपके कब्रस्तान वो जहाँ पे सिमेट्री पे बैठा हुआ है, उनको और गाना। आप एक आपका रोमांस देख रहे हैं वो, और खुद भी इन्वॉल्व है, वो खुद भी भाग रहा है पीछे। डैम क्यूट, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा डॉगी था वो, मोती, बहुत प्यारा, जेम्स उसको संभालता था, याद है?
यस बिल्कुल। या तो कुछ बदली नहीं, आपकी खूबसूरती वैसे के वैसे ही बरकरार है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जैकी, थोड़ी सी भगवान ने थोड़ी और दे दी है, बट बाकी सब कुछ ठीक नहीं, है। नहीं वो तो आना जाना, थोड़ा सा पानी भर जाएगा। योगा, योग करें, प्राणायाम करें, बस सब उड़ जाता है। प्राणा से ज्यादा प्राणा, पहले अपने प्राण को उठाना सीखे, फिर उसके बाद में वजन को उठाना सीखे। प्राणायाम, व्यायाम, व्यायाम बाद में, प्राणायाम पहले। हाँ ओके तो अभी गाना सुन सकते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग हम क्या क्या कह ओके रही? जस्ट जस्ट 1 सेकेंड, आई एम स्टार्टिंग द सॉन्ग। पासे तू दिल बेकरार था। सच ए लवली सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना है। अभी मैं, सो वी आर बैक आफ्टर दैट लवली सॉन्ग। तो लवली। जैकी एक बात बताइए, आप ये जो हम बात कर रहे थे, यू आर दिस स्मॉल छोटा सा सिंपल वालकेश्वर का लड़का, 3 बत्ती का, एंड देन यू मेट दिस प्रिंसेस लिटरली, जो एक बहुत ही फ्रेंची बैकग्राउंड एंड वेरी अंग्रेज एंड एवरीथिंग। सो ये फेरी टेल रोमांस की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मुझे मालूम ही नहीं था कि वो क्या, बड़े घर वाली लड़की है। मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि, मैंने सोचा ऐसे दोस्ती होगी, मैंने कभी शादी का सोचा भी नहीं था। मगर होते होते हो गया, इश्क हो गया, प्यार हो गया, और शादी हो गई, बच्चे हो गए। मगर बोलते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैं एकदम, मतलब मैं एक देसी घी हूँ, वो ऑलिव ऑयल है। वो ऑलिव ऑयल है। दोनों की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, एंड आयशा इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट गर्ल्स। और पर एक चीज मैंने देखी है, वो 9:30 बजे सो जाने वाली लड़की है। और तब से जब से मैं जानता हूं, तब से 9:30-10 बजे, 10:30 बजे तो पैकअप हो जाता है। और मैं इतने सारे आउटडोर्स में गया, इतने सारे आउटडोर्स गया, कभी मेरे साथ नहीं आई पूरा, मतलब हाँ, घर पे रहती थी। और मगर पार्टी करती तो इतना हार्ड करती थी कि घर ही नहीं जाती थी। और वो भी रेयरली। नहीं, पर जैसे लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे शी केम, शी स्टेड, शी एंजॉयड। जहां उसको लगता है कुछ मीनिंगफुल है, शील बी देयर। उसको घर खाली घर दिखावे में दिखे और सुपरफिशियल चीजों में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती, एंड दैट इज एग्जैक्टली यू। सो आई डोंट से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, आई थिंक यू बोथ आर वेरी सिमिलर इन योर जेन्युइननेस, ये मुझे जरूर लगता है। शुक्र है, और शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, एंड यू शुक्र है। हैव थैंक द मोस्ट टू ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, ब्यूटिफुल नॉट यू। ओनली to look at, but God bless them both. And बहुत ही, I know आप दिखावा नहीं करते हैं, but जिस तरीके से आपने उनको literally गोदी में, हाथ में प्यार से पाला है, I have seen it over the last 25-30 years, Jackie. उसके टाइगर के फर्स्ट बर्थडे पे भी मैं आई थी, तो आई हैव सीन द वे यू हैव ब्रॉट अप योर चिल्ड्रन, एंड द वे एज आपने अपनी मम्मी की बात की, द लव एंड एडोरेशन एंड आई वुड से वर्शिप यू हैव शोन योर मदर। तो वही संस्कार आई थिंक बच्चों में आते हैं। टाइगर की आंखों में आप देखते हैं शरीफ, वो एक लड़का है। एंड हाउ हाउ इज द फैमिली एट होम, क्योंकि दो बड़े सुपरस्टार्स हैं घर में, तो हाउ डू यू ऑल, हु डू यू थिंक इज मोर स्टारी एट होम इन बिहेवियर? माई कैट, आयशा, आयशा योर कैट। माई कैट, माई लिटिल डॉग, जो मैं रस्ते से उठा के ले आया था। अब तो फार्म रखा हूँ उसको, हाईवे पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे वहाँ रखा हूँ। मगर ये ज़्यादा बड़ा स्टार है। जो एक छोटी सी बिल्ली है, बहुत बड़ा स्टार है। और फिर वो कुत्ता है, उससे भी बड़ा स्टार है। तो स्टारडम वगैरह, कुछ घर पे स्टारडम तो रहता ही नहीं है। आई नॉर्मल जैसे नो, इंसान है वैसे ही रहते हैं ना। मैं वही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हम घर में वही, और आप तो एक वेजिटेरियन इंसान, दाल और चावल खाने वाले इंसान, सब्जी खाने वाले, और सब्जी आजकल तो उगाने वाले, जिस जी किस्म की उगाता हूँ। आपने तोरई इतनी साइज की उगाई, और जो खाना आप
अपने हाथ से जो आप प्यार से देसी घी डाल के बनाते हैं, आपके लिए बनाऊंगा। आप कब आ रही हैं ये बताएं। बहुत दिन से आपने नहीं बनाई मेरे लिए। नहीं, पर अब ये जो लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सब जगहें खुल रही हैं, आप आ सकती हैं। आप जब कहें मैं आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा और अपने हाथ से खाना बनाया हुआ खिलाऊंगा आपको। बहुत सारी चीजें खिला आपको मैं। जो केला होता है ना, केला जब गिर पकने के बाद में झाड़ गिर जाते हैं, तो झाड़ जो उसके जो स्टेम होते हैं, उसके शर्ट्स बनते हैं, उसके धागे बनते हैं, और उसके बीच की जो चीज है, उसका जो गुद्दा है, वो बहुत अच्छा सब्जी है। उसका बना के खिलाऊंगा आपको मैं। My goodness, but I don't know, जगह के सब लोग जानते हैं कि आप literally एक farmer बोलो, एक gardener बोलो, या PhD कर लिया आपने इन चीजों में। जिस किस्म की आप आजकल organic और पूरे very very non commercial seeds दुनिया भर से ढूंढते हैं, उगाते हैं, ये passion कैसे आया आप में? पता नहीं कहाँ से आया ये, मगर मैं जब 8 साल का था, मेरी आजी मुझे ले गई थी और मुझे माता आया था। माता आती है, माता जी जो ऐसे छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं ना चेहरे पे बचपन, तो मुझे वो हुआ था। और मेरी आजी मुझे ले गई थी खेती में, वो खेती कर रही थी और उनने दूध और चावल और शक्कर एक प्याले में रखी उसने, और वो दूध चावल शक्कर जो प्याले में रखी वो कोई नीम के झाड़ के नीचे, तो वो लंच में, और मैं उसको देख रहा था, ओपन था, मुंगियां आ रही थी और मुंगियां खाकर जा रही थी, और वो मुझे उसने 1 घंटे के बाद वो चावल दूध और शक्कर मुझे पिला दी उसने। और मेरा 2 दिन के अंदर वो सब फोड़े सूख गए। तब मेरे दिल में बैठ गया था, क्योंकि उनके जो सलाइवा में जो मुंगी जो रहती है नीम के झाड़ के सलाइवा, उनके जो गिरी होंगी दूध और शक्कर और चावल में, वो मैं पी लिया, उसका इफेक्ट हुआ, वो मेरे जहन में बैठा हुआ था। फिर जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया, वक्त मिला नहीं, काम करते थे, जब हम लोग काम करते थे तो कहीं देख ध्यान भी नहीं था। अभी जाकर जरा एक थोड़ा सा एक स्लो डाउन किया है पेस को, यहाँ वहां देख रहा हूँ, पहले हरा हरा दिखता था, अब हर हरा में कुछ कुछ गुण है, हर हरा अलग है, हर हर की बात और है। कोई केले का झाड़ बोलता है तो कोई चीकू है तो कोई नीम है तो कोई शुगर केन है, तो क्या क्या अलग अलग चीजें। तो ये सारी सब्जियां, बैंगन, आलू, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब लाइन से उगाता हूँ। नहीं, वो मैंने देखा है, और आपने जिस तरीके से लोग आपसे पूछते हैं कि ये पेड़ क्या है और इसमें क्या डालना चाहिए, इसका कैसा ख्याल, यू बिकम एडवाइजर ऑफ सॉर्ट्स टू प्लांटेशन गार्डनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सीखना है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे हिंदुस्तान के सीखें, हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाए कि हम पहले सीखते थे, याद है मेथी डालते थे सैंड में, तो सैंड वो जो हम लोग छोटे से सैंड के अंदर मेथी के दाने डालते थे तो वो बाहर आता था मेथी, याद है? मेथी का छोटा सा, we used to do this, of course. तो वो चीजें हर माँ को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को कि झाड़ पान की ज्यादा इज्जत करें, ताकि अभी से उनको एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। हम बोलते हैं जय जवान जय किसान, ये बहुत बड़ी चीज है, ये उसको समझना चाहिए कि जब तक कि हमारे किसान भाई अगर खाना स्ट्रांग बनाता है तो हमारे हमारे हम जैसे लोगों के अंदर जान रहता है, हमारे जवान में जान आता है कि खाना ये दबा के अच्छा खाना दे रहे हैं, पौष्टिक खाना दे रहे हैं, देसी देसी घी मिल रहा है, देसी खाना मिल रहा है। तो कितना मेहनत और प्यार का काम है उस खाने को तैयार करना, जो हम करना चाहिए, जो चीज उगा कर खाओ उसका मजा भी और आता है। जरूरी नहीं कि हर शहरी बाबू सीख सके, ये दुनिया भर का और भी काम है, और भी गम है जमाने में, मगर ये बच्चों को सिखाना बड़ा जरूरी है कि हरियाली क्या चीज है, पीपल का झाड़ का वैल्यू, नीम के झाड़ का वैल्यू, इमली का वैल्यू, इन सब चीजों की वैल्यू समझाना चाहिए। कुछ कुछ है पान फुट्टी करके हैं, जो किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, पान फुट्टी, गिलोई होता है गिलोई के गोलियां बेचते हैं, मगर गिलोई का एक बेल पान होता है, बेल होता है ऐसा जो चढ़ता है, तो गिलोई का पान खाना चाहिए सुबह उठ के, या गिलोई की डंडी को
पीस कर उसका पानी पीना चाहिए, ये सारी चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिटिल चिल्ड्रन शुड नो द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ आवर इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रीज. ओरिजिनल जो हमारी इंडिया की आयुर्वेदिक और हर्बल चीजें थी, यही बेशक 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 एक ध्यान देना चाहिए प्राण पे. बच्चे आए पाठशाला में बैठे आकर उनको एक मिनट अपने सांस पे ध्यान रखना चाहिए. इतना घर से भाग के आते हैं, बैग उठाया, बस में आए, गाड़ी में आए, जिसमें भी आया, चल के आया और आके क्लास में सीधा बैठ गया, सीधा आके बोलो चलो भूगोल पेज नंबर 3. अरे बेटे को पहले आके बेचारे को एक मिनट सांस तो लेने दे. पहले एक मिनट का सांस लेना चाहिए, फिर जाके अभ्यास करना चाहिए. और अभ्यास में एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर की बातें सिखाना ही चाहिए. अपने हाथ से करेंगे तो उनको मजा भी आएगा और सीखेंगे भी. बेशक यस एब्सोल्युटली. किताबी तरीके से पढ़ा पढ़ा के कुछ मजा भी नहीं रहेगा और याद भी नहीं रहेगा. अपने हाथ से जो चीज करेंगे वो उनको कितने सालों तक याद रहेंगी चीजें. सो अच्छा एक लेट मी नाउ टॉक अबाउट योर बेसिक एटीट्यूड. थोड़ा सा आप अपने आप का थोड़ा सा अपना और शक्ल दिखाएंगे, थोड़ा सा फार करके. हाँ थोड़ा सा पूरा चेहरा तो दिखाइए, खूबसूरत आदमी है आप. मैं हाँ, हाँ, मैं हाथ में पकड़ रखा हूँ. अच्छा थोड़ा सा दूर. दिस इज बेटर. यस अच्छा अक्सर यू बीइंग सच अ गुड लुकिंग मैन ऑलवेज. आपका फोन ऑफ ही कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया. आया? हाँ आ गया. आई सेड यू ऑलवेज बीन दिस चार्मिंग मैन जो पोलाइट है, जो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोगों को खुश करते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो. बट अक्सर औरतें बड़ी एक्साइट हो जाती हैं कि जैकी ने मुझे ऐसा देखा, उसने मुझे बोला यू आर ब्यूटीफुल. तो आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए हैं दैट वुमेन हैव जस्ट फॉलन फॉर यू फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स जस्ट बिकॉज यू आर हु यू आर? मेरी माँ को मैंने हमेशा देखा कि सबको प्यार करते हुए. वो जो माँ का दिल दिल बैठा है ना कि किसी की भी तारीफ करना चाहिए, तारीफ करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तारीफ करते रहना चाहिए, अच्छी बातें बोलते रहना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. उनका एक मतलब किसी चीज को बुरा कर रहा है तो बुरा भूल जाके उसको उसको किस तरह से अच्छा बताना चाहिए. सो दीज आर द वैल्यूज हैव बीन लर्न्ड फ्रॉम मॉम. सो डेफिनेटली I will never, ever, ever try and demean anybody. किसी की बेइज्जती करना मैंने सीखा ही नहीं है कि ऐसे बद्दी ये लग रही है, बद्दी लग रही है, वो ये कर रही. किस बात का? अपने आप को देख ले कि आप क्या दिख रहे हैं, अपने आंखों में देख ले कि आप कितने पानी में. तो आपके समझ में आ जाता है कि यार खुद को तो देख, दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को देख लिया कर. तो दूसरों की तारीफ कर, दूसरों की तारीफ करने में कभी पीछे नहीं हटना पड़ू. नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है. बट एक बात बताइए, जो आपकी हीरोइंस थी जो आप पे फिदा होती थी, कैसे आप? नहीं सब मेरे दोस्त, सब मेरे दोस्त हैं, सारे के सारे मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं. आप भी तो हैं, आप भी तो मेरे, आप तो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से. Controversial hero I worked with, but you are one hero jo 30 saal se aaj bhi relevant hai. Today, I mean the kind of films you have, not only Hindi but Tamil also. How is it that that Jackie Shroff who started his career what 25, 30 years ago? Kitne 37. Wow, that I'm senior to you probably by a couple. You are, but you don't look it. Well, I'm senior in age, I may not be, but the fact is that you're still relevant, you still look good, you're getting fantastic roles and you've improved like leaps and bounds as an actor. Matlab had hoti hai jitna aadmi improve hota hai, aap wo had paar kar chuke hain improvement ki. So is it sheer hard work, is it experience, or have you done some courses, have you learned, watched other people, what, how is the improvement so tremendous? डिसिप्लिन पहले होना चाहिए और दूसरा लर्निंग की मतलब आपका कान खुला होना चाहिए और मुंह बंद होना चाहिए. सुनना, सुनने से इंसान सीखता है, बोलने से कुछ सीखता नहीं है. अपने मुंह को जबान है करते रहेगा तो क्या सीख रहा है तू? कान खुला रख,
सांस ले, कोई बात करता है तो पहले जरूरी नहीं कि जवाब एकदम से दे दे, पहले समझ क्या बोल रहा है, सांस ले फिर बता उसको, समझा? तो लर्निंग इज समथिंग विच यू हैव टू, इट्स अ लर्निंग. बड़े बड़े एक्टर्स से सीखा हूं, मेरे नसीब में था कि मैं, देव साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा और स्वामी दादा में मुझे रोल दिया. पहले डायलॉग में जैकी फेसिंग ले यार, फेसिंग, मैं कभी, मुझे मालूम नहीं था कि फेसिंग क्या होता है, तो कैमरा को फेस करना, बोले तीसरी आंख से देख, कैमरा तुझे देख रहा है, तुझे कैमरा को देखने की जरूरत नहीं है, तीसरी आंख से देख. तो तीसरी आंख से देख तो मैं सोचता था, तीसरी आंख से मतलब फील द कैमरा, डोंट लुक एट द कैमरा, कैमरा इज लुकिंग एट यू. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई लर्न आउट देयर. देन आई लर्न ह्यूमिलिटी फ्रॉम देव साहब. एक एक्शन शॉट था, तो एक्शन शॉट मुझसे हो नहीं रहा था, तो फाइट मास्टर बहुत नाराज हो गए, और कुछ उन्होंने, उनकी जबान से कुछ निकल गया ऐसा वर्ड, तो देव साहब वहां बोला, टेक इट इजी यार, नया लड़का है, सीख जाएगा, टेक इट इजी. तो मैं बोला, यार एक जूनियर आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा है इतना, एक मैं कुछ हूं भी नहीं, मैं शक्ति कपूर साहब का चमचा बना हूं इस पिक्चर में, और वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं देव साहब. तो वो सारी बातें मेरे उसमें गुद्दे में रह गया कि देखो, ये ना एक हम्बलनेस, इतना बड़ा स्टार का एक हम्बलनेस देखो. तो ये सब बातें वहां थी कि सुभाष जी से सीखे, हर बात में कुछ समझाया, शमी अंकल पहली पिक्चर में, हरि भाई पहली पिक्चर में, बिंदु जी हरी पहली पिक्चर में, मीनाक्षी जी एक डांसर, एक डिसिप्लिन डांसर एक पहली पिक्चर में. तो फॉर मी इट वॉज लर्निंग, एवरी स्टेप वॉज लर्निंग. आई वॉज कीपिंग माई माउथ शट, आई वॉज लुकिंग एट एवरीबॉडी. मैं हर सबको देखता था क्या कर रहे हैं, काम नहीं भी होता तो मैं बैठे रहता था सेट पे और देखता था कि क्या कर रहे हैं. वैसे सीखा है, बैठ बैठ कर सीखा हूँ. बड़े बड़ों से मेरे नसीब में कि मैं को मुझे ऐसे बड़े डायरेक्टर्स मिले जो मुझे संभाले, जितने बड़े बड़े एक्टर्स रहे जिनको देख देख कर सीखा मैं. फैंटास्टिक जैकी, ये जो आपने आपने जो बोला है, अगर आज के जितने एक्टर्स हैं और होने वाले एक्टर्स हैं, और सिर्फ एक्टर्स नहीं, हर फील्ड में जो लोग अपना काम करते हैं वो सीखें दूसरों से. और जिस दिन आप सोचो कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, दैट्स योर बिगनिंग ऑफ योर डाउनफॉल. आई थिंक यू हैव टू Absolutely. कीप लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग. एंड आई आज तक, थिंक आज तक सीखना ही मिल रहा है. टाइगर बाबा के साथ में काम किया, बागी में उनके डैडी बना हूं मैं, तो मेरे लिए एक बड़ा, एक ऑड सी फीलिंग आ रही थी. मगर मैंने अपने बच्चे का डिसिप्लिन देखा, मैंने अपने बच्चे का एक एटीट्यूड देखा काम करने का. मैं वो देखकर सीख रहा हूँ कि किस तरह से वो अपने लाइंस को, किस तरह से सिंसियरिटी अपने आप में, एक बाप जो एक्चुअल में बाप है, जो पिक्चर में बाप बना है, तो वो एक, मतलब समझ गई ना? तो द Absolutely. सिंसियरिटी इन द बॉय, द डिसिप्लिन इन द बॉय, द रिस्पेक्ट फॉर द यूनिट, आई वॉज सो हैप्पी. मैं बोला, कुछ ना कर, इज्जत देना सीख यार, बाकी समझे वाली बात है. कुछ लेके नहीं जाता है बाबा, कुछ नहीं साथ में जाता है, जितने भी लोचे लफड़े लवा, जितने भी लफड़े, सब चीजें यहाँ छोड़ के निकल जाएगा, खाली हाथ निकल जाएगा. पैसे, शोहरत, सब दौलत, कुछ मिल जाएगा. रिलेशन, कोई ना संग मरे, ये तो बात है ही है, सब प्यार करे. तो वो समझ लेना चाहिए इंसान को, प्यार बांटते चलो और निकल लो. जैकी, आप इतने वाइज और इतने, मतलब आपको अभी इतना प्यार आ रहा है I आपके wish ऊपर. I was wise. I wish I was wise. I'm an यू आर idiot. I'm an पर्सन. idiot and I'll remain an idiot. नो, गेट क्वाइट, यू आर एब्सोल्युटली नॉट. अच्छा, ये आपकी जो प्राणायाम का जो आपने दिखाया है, करते भी हैं, और आपकी पूरी बॉडी में उसका एक असर दिखता है. योर पोस्चर, योर स्टमक हैज गॉन इन एवरीथिंग. तो आप दिन में कितनी देर तक करते हैं प्राणायाम? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्राणायाम? 24 मिनट भी अगर कर लिए 24 घंटे में, बहुत होता है. सांस पे ध्यान देना, अगर 24 मिनट एक साथ में नहीं होता है, हर घंटे में 1 मिनट अपने सांस पे ध्यान देना चाहिए, और अपने सांस पे ध्यान देना चाहिए, और अपने मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए. मेरुदंड मतलब मेरुदंड मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जब तक अपना सीधा नहीं रहेगा, वो कंप्रेस हो जाएगा. ग्रेविटी हमें दबा कर रखता है, इसीलिए हम सब चिटके हुए हैं धरती पर, वरना हर चीज उड़ने लग जाता. तो वो इंसान को दबाता है, दबा के रखा हुआ है. हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दबने ना दे अपने आप को, कोशिश करके अपने स्पाइन को सीधे रखें,
फोन जब पकड़े तो गर्दन झुका झुका इतना झुका देता है कि गर्दन पे कितना वजन है, छोटे छोटे बच्चों के गर्दन को देखता हूं ऐसे लटके रहते। बहुत ध्यान रखना चाहिए, माँ अपने ये घर में शिक्षण होना चाहिए, अपने घर से सीखना चाहिए, अपने माता पिता बताना चाहिए, उनको फोन दे देते चलो फोन में बिजी है हम लोग अपने काम में बिजी है, मगर उनको समझाना चाहिए बेटे तेरे हड्डी का क्या होगा, तो अभी से ये कर रहा है तो आगे 30 साल में क्या होगा तेरे हड्डी का। सब ऐसे झुके हुए लोग, मतलब हम कार्टून देखते हैं कि हम शुरू हुए थे वो एप मैन से जो झुका हुआ है, और धीरे धीरे इंसान भी धीरे धीरे वैसे ही झुकता जा रहा है, वही 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 बहुत ध्यान देना चाहिए। माता पिताओं को तो ध्यान देना चाहिए, प्राणायाम योग, योग बोलते हैं, योगा योगा नहीं, योग है, ये जुड़ना है माइंड एंड सोल एंड ब्रेथ को साथ में जुड़ना है योग, तो ये चीजें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। योगा योग योग सीख लें, बस प्राणा को प्राण पे ध्यान दें, 24 घंटे में 24 मिनट अगर बैठ सकते हैं शांत बिना अपने मेरुदंड को हिलाए हुए अपने सांस पे ध्यान देते हुए तो बहुत हो गया। अगर नहीं होता है तो हर एक घंटे में 1 मिनट नली साफ रख, नली साफ रख, नली साफ रख दिया तो गेम हो गया अपना। और आठ घंटा सोते, 8 घंटा काम करते, 8 घंटा बचाए अपने लिए 24 घंटे में, 8 और 8 16 और 8 24, 8 घंटा सोना, 8 घंटा काम ड्यूटी और 8 घंटा अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सोशल वर्क के लिए, बाप बहुत है 8 घंटा। अमेजिंग, अगर इस तरह से कोई कर पाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए हम सबकी, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा होता नहीं लोग नहीं करते हैं, कर नहीं पाते हैं आजकल, खासतौर पे जब हम घर में बैठे हैं और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो अगर पिक्चर देख रहे हैं तो वही देखते जाएंगे 8 घंटे, तो उसको काम समझ लो समझ लो जो भी है। अच्छा आप जो प्राणायाम बोलते हैं, हम जो जानते हैं 3-4 किस्म के प्राणायाम जानते हैं हम, कपाल भारती जानते हैं, अनुलोम विलोम जानते हैं हम, भस्त्रिका जानते हैं या ब्रह्मी जानते हैं, और आप कुछ खास चीज को रेकमेंड करेंगे, बिकॉज आई थिंक आप हेल्थ टिप देके जाएंगे और आपकी वजह से सब लोग फॉलो करेंगे तो कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। सांस पे ध्यान दें, भले वो आप लेफ्ट और राइट का जो करते हैं, आप ये बोला भी क्या बोले आपने, कौन सा लोम, राइट लेफ्ट से लिया तो ठंडा, राइट से लिया तो गर्म, ये तो मालूम है बच्चों को, सबको मालूम है, सब बड़ों को मालूम है, जो जो सीखा है सबको मालूम है, मगर ये अगर सर वगैरह दुखा अगर तो लेफ्ट से लेते ठंडा सांस, थक जाते तो राइट से लेके लेफ्ट से फेंकते, ये ऊर्जा है गर्म है, ये हमारा अर्धनारेश्वर, ये हमारा महाराज शिव महाराज यहाँ पे, ये पार्वती माँ इस तरफ लेफ्ट पे, एक तरफ अगर सोना है तो एक तरफ चांदी है, एक तरफ गर्म है तो एक तरफ ठंडा है, समझा, तो वो सांस को तो पहचान लिया हमने, मगर सांस पे ध्यान रखना, आराम से बैठ के ध्यान रख, कपाल भाती कर, मगर शांत रहे। शव आसन से बड़ा कोई भी आसन नहीं लगता मुझे, शव आसन कर, और अगर तेरे में दम है तो व्रज में बैठ, वीर में बैठ, वीर भद्रा में बैठ, वीर भद्रा तक जाने तक तो बाबा हो जाएगा, पूरे बॉडी का स्ट्रेचेस सही हो जाएगा, मगर वीर आसन तक तो बैठ ही जाने, वीर आसन में बैठो, प्राणायाम करे तो मतलब वीर आसन में बैठ के प्राणायाम, या वीर आसन क्या होता है, वीर आसन होता है कि पैर को अपने जो जैसा व्रज में बैठते हैं जो हम लोग जो खाने के बाद में बैठना चाहिए व्रज में सबको, ताकि खाना हजम हो, सीधा लेट नहीं जाना चाहिए, तो वीर जो है वो अपने टेल बोन पे बैठते जाके, पैर पैर हो जाते, समझी, पैर जो होते हैं वो साइड में हो जाता है दोनों, यानी अपना फीट ओपन हो जाता है, समझी, और जाके आप प्लांट अपने आप को सीधा डायरेक्ट आप अपने तशरीफ को रख देते जमीन पर, उसके लिए आपकी नींद वगैरह सब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ओह यस 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 बॉस, और ये करते रहो तो 90 साल तक 90 डिग्री रहेगा आपका मेरुदंड, 90 साल तक आप ऐसे रहेंगे कि बोले बाप वाह, सब न्यूरॉन्स जागेंगे, आपका स्पाइन सीधा रहेगा, यू आर कनेक्टेड स्ट्रेट टू द ग्राउंड,
So one question to you before I let you go. I can keep talking to you till morning, but I think I'm not going to overimpose. आप ये तमिल पिक्चर इतनी सारी कर रहे हैं, how are you finding the language? Is it difficult to do a different language film? मैंने तो एक दो फिल्में की हैं, मुझे बहुत मतलब work extra hard करना पड़ता है. आप are you good with languages? फटाफट सीख लेते हैं आप languages? मैं पोपट हूँ. पोपट हूँ मैं. मतलब मैं पोपट हूँ मतलब मुझे जब मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर कुछ वर्ड बोलते हैं ना तो मैं आसानी से बोल पाता हूँ. आप मेरी पिक्चर जरूर देखना, आरण्य कांदम, तमिल पिक्चर है. अच्छा, आरण्य 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 कांदम. आई सो बागील. नहीं मगर वो तो हिंदी है. नहीं मैं तमिल तमिल है ना ओरिजिनल. नहीं बिगिल है वो. बिगिल 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 क्या है मेरी बिगिल प्रोनंसिएशन इज बागी इज बागी बागी इज टाइगर स्टोन बागी बिगिल बिगिल बिगिल. मगर आप जरूर देखना. फिर आप मेरी एक बंगाली पिक्चर देखना अंतर महल. अंतर महल अंतर अंतर महल. ओके तो वो सारी चीजें ये इट वाज अ प्रॉम्प्ट. तो प्रॉम्प्ट करते हैं बाद में मैं डब करता हूं. प्रॉम्प्टिंग आप कोई भी अगर कोई भाषा में बोले ना तो मैं आराम से बोल सकता हूँ. मगर उसके लिए पॉजेस अपना वो किस तरह से बोलना क्या बोल रहा है वो समझ लो और फिर प्रॉम्प्ट सुनो. याद नहीं रख सकते. नॉट पॉसिबल. डायलॉग्स आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज. पर जरूर देखना माँ, जरूर देखो पिक्चर देख अंतर महल. किसमें अवेलेबल है ये मैं आपको लिंक भेजता हूँ. अंतर महल और आरण्य कांदम. आरण्य कांदम विल बी देयर ऑन यूट्यूब विद द सबटाइटल. अंतर महल भी होना चाहिए. सो क्यूआ का इंसाफ. ओ माय गॉड पूनम जी. ओ माय गॉड पूनम जी. ओ माय गॉड. सो नाइस पूनम जी. सो मेनी लवली फिल्म्स, सच मेमोरीज विद यू. I'm so blessed to have worked with you. How nice. Aisa lagta hai tune bhi pee li ab to nachenge dono masti mein. कैसा शर्माना कैसा घबराना सारे अपने हैं दिल की बस्ती में. ओ हरे 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 बन के मेरी मयूरी. मैं हूँ तेरा मयूरा मयूरा भंग जमाए. So nice. So happy to have this was our one experience. Oh my god, such memories with you. My god. Yaad hai hum log ek romantic gana karne gaye the Shiva ke Insaaf mein aur aise location ko select kiya gaya tha jahan par pure unit ko leech chad gaya tha. मेरे को पहली बार जब काटा तो मुझे लगा ये खून कहाँ से निकल रहा है. आई डिडंट नो लीच होता है. मुझे याद है. आई रिमेम्बर यू. इनफैक्ट आप जब घर तक पहुंची होटल में भी आपने कहा कि लीच निकाल रही थी आप. माय गॉड. ओ माय गॉड. लोग रोमांस देखते हैं कि हम कितना रोमांटिक गाना कह रहे हैं. पता नहीं हर और नीचे लीच भरा हुआ है. लीच चिपकी हुई है हमारे साथ. दो अमेजिंग लोकेशन जरूर था. ब्लड सकर्स ऑल अराउंड ब्लड सकर्स वर देयर. कुछ देर वहां रुक जाते तो पूरा बॉडी का खून पी जाता. इतने थे रियली. तो जाके आई डोंट थिंक हमारी बातें खत्म हो सकती हैं. और जाने से पहले मैं पाले खान को याद कर लेती हूँ क्योंकि वो एक हमारा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है साथ में. मैं आपको ले गया था चला गाड़ी में बिठाकर श्रीनगर से लद्दाख. लद्दाख से वापस श्रीनगर. इनफैक्ट मैं समझती हूँ लोगों को हम बताएं कि वो लोकेशन जो थी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है और आजकल हमारे देश में उस जगह के लिए लिटरली
खींचातानी चल रही है चाइना के साथ, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गॉड्स क्रिएटेड प्लेस, डोंट यू थिंक सो जगु? क्या खूबसूरत जगह है वो. और अगर हम हम लोग वहां फंस गए थे लिटरली, शूटिंग हो गई पाले खान की खत्म, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही, वेदर इतना खराब है, 2-3 दिन वेट किया, फिर हमारे हीरो हमारे जैकी दादा बोले कि मैं ड्राइव करके ले जाता हूँ. सो वी ड्रोव ऑल द वे टू द हिस्टोरिक कारगिल एरिया से होते हुए हम श्रीनगर पहुंचे. हमारे जवान सब ऐसे ऐसे जगह पे खड़े हैं जो बाप रे बाप. कारगिल मैंने, कारगिल और फिर उसके बाद में लद्दाख, वहां की ठंड, वहां की सर्द और वहां का जो टेरेन है. हैट्स ऑफ, जय हिंद, जस्ट हैट्स ऑफ टू देम. असली हीरो, असली हीरो. बॉस मेरे को हीरो बोल रहे, गाड़ी चला के लाया, असली हीरो सामने हमारे फ्रंट पे खड़ा है, इसलिए अपन बिंदास है. रियली, और जो वहां जाके कभी देखेगा वहां का माहौल, वहां एक म्यूजियम है, आई डोंट नो जाकी आपने देखा, मैं एक बार फिर से गई थी लद्दाख, तो एक म्यूजियम है जो आर्मी के, जो उनको कपड़े पहनने पड़ते हैं ठंड की वजह से, वो इतनी ज्यादा किलिंग ठंडी है वहां पे कि वो इतने लेयर्स ऑफ थिक थिक क्लोथ, वो जो जूते हैं, जो हालत में रहते हैं. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फैमिली से दूर. और थैंक यू, हम जवान्स को बहुत बहुत याद भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे और उनकी कदर भी करेंगे हमेशा. सो मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, सो फॉर मी दिस इज माय लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैं आई नो एंड मैं एक एयरफोर्स एवीएम रंजन दत्त वीर चक्र के बच्ची से शादी किया हूँ, मैं जानता हूँ. मैं बचपन में इस पायलट बनने का जो सपना था वो बॉर्डर पिक्चर में भी मैंने कंप्लीट कर ली. बॉर्डर में मैं बन गया एयरफोर्स का आदमी. वो लोग देख कर कई बच्चों ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत गट्स है. जस्ट हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी. Hats off to them, yes. And thank you, Jackie, for being this amazing role model to so many of our people. Hamari film industry bahut alag alag logon se bhari hui hai. Zyada tar log acche hain, kuch chand kharab sikke har jagah hote hain. Our industry so much respect and love for each other. And our generation, I think we are friends for life. Chahe wo meri friend Padmini hai, ya Rati hai, ya aap hai, ya Sunny hai, ya, you know, सब मिलते हैं, एक दूसरे की इज्जत से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं. टीना, वी ऑल बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स, एंड थैंक यू जैकी फॉर बीइंग हियर विद मी टुडे एंड शेयरिंग योर वंडरफुल थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस. एंड मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, एंड वी विल ऑल डू प्राणायाम एंड बिकम हेल्दी लाइक यू, एंड लॉट्स ऑफ लव. एनीथिंग एल्स यू वांट टू? सत्तू पियो. सत्तू पीने का दिन में एक बार दो बार, जब तेरे को जब ज्यादा ऐसे भूख लगता है और बीच में कुछ कचरा खाने का दिल करता है. मगर सत्तू पावर है, चने का पानी बोलते, लिट्टी भी बनती है उससे. मगर ये चने का पाउडर होता है, उसको पानी में डाल के नींबू नमक कोरिएंडर कोतमीर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के उसको अच्छा उसको पीना चाहिए. वो सेहत के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है. सत्तू पियो, दाल चावल घी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और सांस लो, लंबा लंबा सांस लो और खुश रहो. बुराइयां अच्छाइयां ये पासिंग फेज है, जिंदगी पासिंग फेज है, कोई चीज टिकता नहीं, सब निकल जाता है छोड़े. तो टेंशन लो मत, आया कुछ बुरा वक्त आया वो भी निकल जाएगा, जो अच्छा वक्त आया वो भी निकल जाएगा, हम निकल जाएंगे. तो यही मैसेज आज हम दोनों मिलके दे लोगों को कि भी पॉजिटिव. बुराई देखना एक मिनट लगता है, लोगों की बुराई करना, टाइप करके इंस्टाग्राम पे हेट डाल देना किसी के लिए, ट्रोल करना, ये सब चीजें बहुत आसान है, एक सेकंड लगता है. बट आई डोंट थिंक ये आपकी जिंदगी में कुछ भी आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लाता है. एंड जैकी, आई हैव नेवर हर्ड यू टॉकिंग बैड अबाउट एनीबॉडी. आपने पता नहीं कितने लोगों के साथ किया, मैं और सालों से आपको जानती हूँ, 30 साल से तो जानती ही हूँ, आज तक किसी की बुराई करते नहीं सुना मैंने आपको, ना कोई आपकी बुराई करता है. दैट इज अमेजिंग. सो गॉड ब्लेस यू एंड बी दिस वंडरफुल पर्सन एंड रोल मॉडल दैट यू आर. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू टू ऑल माय लिसनर्स एंड फैंस. लव यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी पूनम जी. ऑल माय लव टू योर ब्यूटीफुल फैमिली. बच्चों को बहुत प्यार दे और आपके सारे आपके जितने भी ऑडियंस है सबको सादर प्रणाम. बस खुश रहें. 8 तारीख को एयरफोर्स डे है, जरूर आसमान में देखकर एक सैल्यूट मार लेना. एब्सोल्युटली. थैंक यू. थैंक यू. जय हिंद. बाय बाय डियर. बाय.
बाय।